कड़कड़ाती ठंड की सुबह को दुनिया की सबसे खूबसूरत और जेठालाल की फेवरेट चाय मिल जाए तो उसका तो क्या कहना। इस वीडियो में आपको ये भी पता चल जाएगा कि मुझे चाय से कितना ज़्यादा प्यार है। लोग अक्सर पूछते हैं कि मैं अपनी खूबसूरती के लिए क्या करती हूँ, तो मैं मुस्कुरा के कह देती हूँ कि मैं चाय पीती हूँ। चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले सॉस पैन या फिर टोप में मैं ले रही हूँ 1.5 कप पानी, ठीक है। इसको अच्छे से उबाल आने देंगे, बिना उबाले हमको इसमें कुछ भी नहीं डालना है। तो जब तक इसमें उबाल आ रहा है, चलिए फटाफट से फ्रेश चाय का मसाला बना लेते हैं। तो यहाँ पे इमाम दस्ते में मैं ले रही हूँ कुछ मसाले, 3 से 4 इलायची, 3 से 4 लौंग, कुछ काली मिर्च के दाने, 1 छोटा टुकड़ा दालचीनी का और बस आधा टीस्पून सौंफ। इन सारे मसालों को हम क्या करेंगे, थोड़ा सा दरदरा कूट लेंगे। अच्छा, आज मैं क्या कर रही हूँ, 4 से 5 कप चाय बना रही हूँ, तो थोड़ा सा ही मसाला लगेगा मुझे, तो मैं ताज़ा बना रही हूँ। पर चाय का ऑथेंटिक मसाला कैसे बनाते हैं, जिसको आप 1 मंथ स्टोर भी कर सकते हैं, वो मैं आपको आगे बताती हूँ, तो वीडियो पूरा वॉच कीजिएगा। ये देखिए मसाले थोड़े से कूट गए हैं दरदरे से। तो अब इसमें हम डाल देंगे 2 से 3 टुकड़े अदरक के, या जैसा आपको स्ट्रॉन्ग फ्लेवर पसंद हो अदरक का, और इसको भी साथ में कूट लेंगे। अच्छा फ्रेंड्स, अगर आपके पास सूखा अदरक का पाउडर है या फिर सौंठ है ना, तो यहाँ पे आप वो डायरेक्टली डाल दीजिए, आधा टीस्पून। तो ये भी मैंने कूट लिया, मसाला तैयार हो गया है, पानी में भी अच्छा सा उबाल आ गया है। उबाल आने के बाद ही हम इसमें ये मसाला ऐड करेंगे। तो पूरा मसाला इसमें डाल दीजिए और इसको भी बॉईल होने दीजिए इसमें मिनिमम 2 मिनट के लिए, ताकि सारा जो फ्लेवर है ना, इलायची अदरक जो भी हमने डाला है, पानी में अच्छे से रस बस जाए, तो ही उसका स्ट्रॉन्ग फ्लेवर आएगा। उसके बाद हम इसमें डालेंगे 2 टीस्पून भर के चाय पत्ती और इसको भी अब अच्छे से करने देंगे। ये जो स्टेज है ना फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यहीं पे आपका चाय का कलर और मसाले का फ्लेवर अच्छे से इन्फ्यूज़ हो जाएगा पानी में, मतलब कि रस बस जाएगा, तो स्ट्रॉन्ग फ्लेवर आएगा। और अगर आपको स्ट्रॉन्ग फ्लेवर नहीं चाहिए तो उसका भी ऑप्शन है मेरे पास। तो मान लीजिए अगर आपको इतना स्ट्रॉन्ग फ्लेवर नहीं पसंद है ना, तो आप क्या कर सकते हैं, पानी के बदले चाय पत्ती और मसाला डायरेक्टली दूध में डाल सकते हैं और फिर उसको काट सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको पुदीना या फिर लेमन ग्रास का फ्लेवर पसंद है, तो वो भी आप यहीं पे ऐड कर सकते हैं। ये अच्छे से कट गया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 3 कप भर के दूध। तो जितना मैंने पानी यूज़ किया उसका डबल दूध यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि ये रजवाड़ी चाय है और एकदम थोड़ी शाही होती है और एकदम गाढ़ी होती है। तो अगर आपको पतली पसंद है तो आप जितना पानी है उतना दूध डाल दीजिए, या फिर कुछ लोग तो फ्रेंड्स क्या करते हैं ना, सिर्फ दूध में ही ये चाय बनाते हैं, आप वैसे भी बना सकते हैं। ये देखिए दूध डालने के बाद भी इसको अच्छे से करने देंगे, उबलने देंगे 2 मिनट के लिए। वाओ, क्या खुशबू आ रही फ्रेंड्स इस वक्त मेरे घर में। सच बताऊँ तो कॉफ़ी पर तो सिर्फ दुनियादारी है, असली रिश्ते और रस्में तो आज भी चाय पर ही बनते हैं, जैसे कि मेरा रिश्ता हुआ था। तो अब हम इसमें डालेंगे खास फ्लेवर जो इस चाय को शाही बना देगा, रजवाड़ी चाय, थोड़े से केसर के धागे। ये देखिए बिल्कुल थोड़े से डाल रही हूँ। इसको भी बॉईल होने देंगे दूध के साथ। इसका ना एक यूनिक अरोमा आता है, बहुत अच्छा लगता है इस चाय में, जो कि इस चाय को एकदम खास बना देता है। तो आप क्या कर सकते हैं, इसको साइड में रख दीजिए लो फ्लेम पे, जब तक ये कर रहा है हम अपनी बाकी की तैयारी करते हैं, ठीक है। तो ये साइड में मैंने छोड़ दिया। दूसरा पैन में देखिए मैं क्या काम कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने लिया है करीबन 4 से 5 टीस्पून शक्कर और इसको हम कैरमलाइज करेंगे, मतलब कि लो फ्लेम पे इसको पकने देंगे जब तक ये अच्छे से मेल्ट ना हो जाए और बढ़िया सा कैरमल कलर ना आ जाए। ये देखिए जैसे जैसे चीनी पिघलने लगी, उसके बाद इसमें धीरे धीरे कलर आने लगेगा। ये देखिए जैसे जैसे कलर आएगा ना, पैन को स्वर्ल कर करके इसको पका सकते हैं, क्योंकि एक बार पिघलने के बाद जो कलर है जल्दी से आ जाता है। तो ध्यान रखिएगा, जलना बिल्कुल नहीं चाहिए, वरना आपकी चाय में वो कड़वापन आ जाएगा। और इसका जो है ना फ्रेंड्स, एकदम अलग ही फ्लेवर आता है, टेस्ट आता है चाय में, और साथ ही बहुत ही प्यारा सा कलर भी आएगा, बिल्कुल कुल्हड़ वाली चाय होती है ना वैसा। तो ये देखिए एकदम परफेक्ट कैरमल कलर आ गया। इस कलर पर मैं रख रही हूँ, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करेंगे। चलिए बढ़ते हैं चाय की तरफ। तो ये जो कैरमल हमने बनाया है इसके अंदर डाल देंगे चाय में। तो फ्रेंड्स धीरे धीरे करके डालिएगा, जैसे ही आप कैरमल डालेंगे ना ये उबल जाएगा, एकदम बबल आ जाएगा, बिकॉज काफ़ी गर्म होता है, पर धीरे धीरे ना वो अपने आप सेटल हो जाएगा। आपको ऐसा लग रहा होगा बीच बीच में कि ये देखिए स्ट्रिंग्स दिख रहे हैं कैरमल के लिए, लेकिन वो आसानी से उसमें पिघल जाएंगे और समा जाएंगे। तो इसको भी मिक्स मिक्स करके इसको पकाएंगे।
ये देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं जैसे जैसे चाय कड़ रही है इसका जो कलर है और भी ज़्यादा गहरा होते जा रहा है, प्यारा सा कलर आ रहा है। और इसका जो टेस्ट है ना, इसी की वजह से इसको कहा जाता है रजवाड़ी चाय, बिकॉज शाही तरीके से बनाते हैं, कैरमल डाला जाता है, केसर डाला जाता है। अच्छा फ्रेंड्स, आप क्या कर सकते हैं ना, यहाँ पे चाय को थोड़ा सा टेस्ट कर लीजिए। कभी कभी क्या होता है ना, कैरमल से पूरी मिठास नहीं आती है, तो आप यहीं पे 1 से 2 टीस्पून शक्कर और भी एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो ये देखिए अच्छे से उबल गई है और कितनी बढ़िया गाढ़ी क्रीमी लग रही है, दुनिया की सबसे फ्लेवरफुल और हसीन चाय है फ्रेंड्स, इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। चाय रेडी हो गई है और ऑथेंटिकली बिल्कुल ऐसे ही बनती है। इसको हम सबसे पहले छान लेंगे। तो फ्रेंड्स, आप सभी ने वो वीडियो तो ज़रूर देखा होगा नुक्कड़ वाली चाय का, जो मेरे हस्बैंड की फेवरेट चाय है, लेकिन ये चाय बनाने के बाद ना वो इस चाय के दीवाने हो गए। तो आप भी ये वीडियो ज़रूर चेक कीजिएगा और ये वाली चाय अपने घर वालों के लिए ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, मान लीजिए अगर आपको कैरमल अलग से नहीं बनाना है, ठीक है, तो आप क्या कीजिए, एक टोप में कैरमल बना लीजिए और उसी में आगे पानी डाल के कंटिन्यू कर सकते हैं पूरा प्रोसेस। तो 2 बर्तन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ काम जो है शॉर्टकट में हो जाएगा, ठीक है। अब क्योंकि मैंने आपको शॉर्टकट बता दिया है, तो इसे बनाना ज़रूर आलस बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि इससे आपका सर दर्द, बदन दर्द, सर्दी खांसी सब कुछ उड़नचू हो जाएगा। और इसको गर्मा गर्म सर्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने लिए ये मिट्टी के कुल्हड़, ये न्यू थे, तो पहले मैंने क्या किया, पूरी रात इसको सोक करके रख दिया था और इसमें मैं सर्व कर रही हूँ ऑथेंटिक लुक के लिए। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो का कोई भी हिस्सा अगर आपको थोड़ा भी अच्छा लगा रहा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, ताकि मैं मोटिवेटेड फील करूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, लग रही है ना मज़े की, इसको कहते हैं चाय के स्वाद का मैजिक। तो फ्रेंड्स, मज़ा आ गया मुझे आज ये चाय बना के। तो चलो इस बेफिक्र दुनिया को खुल के जी लेते हैं, सब काम छोड़ो, पहले चाय पी लेते हैं। तो चलिए अब मैं आपको फटाफट से चाय का मसाला कैसे बनाते हैं, जो कि महीनों आप स्टोर कर सकते हैं, वो बताती हूँ। सबसे पहले पैन में मैं ले रही हूँ 2 टेबलस्पून भर के छोटी वाली हरी इलायची, साथ ही ले रही हूँ 2 से 3 बड़ी वाली इलायची, 1 से 2 टीस्पून काले मिर्च के दाने, 2 टीस्पून भर के लौंग, कुछ टुकड़े ये देखिए दालचीनी के, और बस 1/2 टीस्पून सौंफ। अगर सौंफ का फ्लेवर आपको नहीं पसंद तो आप इसको कम्प्लीटली स्किप कर सकते हैं। इन सारे मसालों को लो फ्लेम पे अच्छे से टॉस करते जाएंगे जब तक ये भून न जाए। आपको अपने आप ही पता चलेगा कि हल्की हल्की खुशबू आने लगेगी और ये थोड़े से ना कड़क हो जाएंगे, क्रैकल होने लगेंगे, लेकिन जलाना बिल्कुल नहीं है, वरना मसाला ख़राब हो जाएगा और चाय में कड़वापन आ जाएगा, ठीक है। तो ये मसाले लो फ्लेम पे भून रहे हैं, इसको लो पे ही छोड़ दूंगी। और एक चीज़ मैं इसमें क्या ले रही हूँ, ये देखिए, ये है जायफल। तो एक जायफल मैंने लिया, इसको हमाम दस्ते में पहले थोड़े से टुकड़े कर लेंगे, क्योंकि ये आसानी से नहीं भूनता है। टुकड़े करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे और इसको भी इसके साथ अच्छे से भून लेंगे 2 और मिनट के लिए। तो सारे मसाले एकदम बढ़िया तरीके से भून गए, बढ़िया सी खुशबू आ रही है, गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इनको ठंडा होने देंगे। जितना अच्छे से ठंडा होंगे ना, अच्छे से पिसेंगे, फिर उसके बाद इसको ट्रांसफर कर लेंगे छोटी सी मिक्सी में और इसको दरदरा चला लेंगे। ये देखिए दरदरा सा पाउडर हो गया। अब इसमें मैं एक और चीज ऐड करूंगी पाउडर फॉर्म में, जो कि है अदरक का पाउडर 2 टेबलस्पून, यानी कि सौंठ का पाउडर, ये भी इसमें डाल के चला लेंगे। कितना परफेक्ट चाय का मसाला फ्रेंड्स रेडी हो गया, इसको आप महीनों स्टोर कर सकते हैं। और ये इतना ज्यादा फ्लेवरफुल और एरोमेटिक होता है ना, आपकी दिन भर की जो थकावट है वो चली जाएगी, एकदम ताजगी आ जाएगी। और मान लीजिए अगर आपको सौंठ का पाउडर इसमें नहीं डालना है, तो आप जो फ्रेश अदरक है वो कूट के या फिर ग्रेट करके चाय में डायरेक्टली डाल दीजिए। तो थी ना बिल्कुल आसान रेसिपी फ्रेंड्स, इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा, आई होप आपको अच्छी लगेगी। चलिए मैं आपसे मिलती हूँ एक और वीडियो में एक और चाय की प्याली के साथ। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी हस्बैंड की फेवरेट नुक्कड़ वाली चाय देखनी है, तो यहाँ पे आप क्लिक करके वीडियो चेक कर सकते हैं।